क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ गई है बीजेपी की, कि हर चुनाव उनको ही जीतना है, मुख्यमंत्री कौन है लोग नाम भी नहीं जानते, लोग उनको पहचानते भी नहीं उस तरीके से, जो बड़े बड़े छत्रप थे वो भी अब बीजेपी में पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं। तो क्या आज बिना नरेंद्र मोदी के बीजेपी को कहां आप देख पाएंगे? एक जमाना था जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह थे, अपने बल पे चुनाव जीतते थे, शिवराज सिंह चौहान थे, येदुरप्पा थे, वसुंधरा राजे सिंधिया थी, दिल्ली में आपके मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा जैसे नेता थे, लेकिन अब राज्यों के अंदर जो लीडरशिप है वो अपने बल पे तो चुनाव शायद नहीं जीत सकती है। तो ये बीजेपी की कमजोरी है, नरेंद्र मोदी बीजेपी की कमजोरी है या मजबूती है भविष्य में? बीजेपी इस वक्त डबल वेपन, डबल शॉट, एज शॉट कहते हैं ना जिसको, दोनों तरफ धार है इसकी, क्योंकि एक तरफ इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिपेंडेंस, वो एक कल्चर बन गई है, वो चाहते हैं या नहीं चाहते बिल्कुल, क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति हैं, मेरे को लगता नहीं है कि वो इतना चाहते होंगे संगठन नीचे से नहीं बने। संगठन नीचे बन गया, हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का दफ्तर है, कार्यालय है, संगठन बहुत अच्छा दिखाई देता है, परंतु संगठन का कनेक्शन सिर्फ बीजेपी का कनेक्शन लगता है स्टेट के अंदर बीजेपी के साथ है। बड़े नेता ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तो कुछ नहीं कर पा रहे, जैसे आपने ठीक कहा कि फोटो नहीं दिखाते आप उनके चीफ मिनिस्टर की, अगर आपके ये यात्रा हुई है वहां पर उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री आगे नहीं था कहीं भी, तो कहीं भी जाते जो आपने सवाल उठा वो बड़ी खतरनाक बात है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, उस कैडर बेस्ड पार्टी में पर्सनैलिटी कल्ट आ गई है। अब पर मैं उसी फ्रेज पे जाऊंगा दोबारा से, जो आपने कहा डबल इंजन की सरकार हर जगह देना चाहते हैं, तो आपको हर स्टेट के अंदर डबल इंजन और आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, वो है नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सच है कि डबल इंजन तो सिंगल इंजन इस वक्त है सब जगह, पर डबल इंजन की सजा अगर आप चाहते हैं तो लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका डबल इंजन कौन सा है। तो हर स्टेट के अंदर डबल इंजन तो दूसरा इंजन तो गायब हो रहा है, संगठन संगठनात्मक बड़ी संगठन चाहे बड़ा हो, बड़े बड़े दफ्तर बन गए होंगे उनके, एयर कंडीशन ऑफिस बन गए हैं अपने, पर उसके अंदर जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर फेस कौन है इनके पास, गुप्ता जी के नाम से वोट तो ना मिल जाएगा आपको, पहले तो जैसे आपने बहुत नाम दिए उस वक्त उनके नाम से लोग मिलते थे। तो बीजेपी के लिए फ्यूचर के अंदर जब तक स्टेट लेवल के अंदर लीडरशिप खड़ी नहीं होगी, मोदी जी को हर स्टेट के अंदर एक मोदी और एक अमित शाह खड़ा करना पड़ेगा। वो अमित शाह मोदी तभी खड़ा हो सकता है जब आप उनकी फोटो लगवाने शुरू कर देंगे, पेट्रोल पंप से लेकर के पंचायत के हॉस्पिटल तक आपकी फोटो लगी हुई है, बाकी किसी की नहीं है। जब तक एक मोदी जो है छोटा मोदी उससे भी छोटा शाह हर स्टेट में, अगर जो संगठन के बारे में जानता हो, संगठन की गिनती कर सकता हो, हर मल्ले की खबर रखता हो, हर पोलिंग बूथ की कास्ट इक्वेशन का पता रखता हो, तो मोदी जी के खतरा यही है कि 2024 ठीक है, 2029 आप भी 73 साल के हो गए हैं, उसके बाद 75 साल के हो जाएंगे, लॉ आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा 75 साल का, तो उसके बाद क्या होगा? एक्सेसिव डिपेंडेंस इन बीजेपी, एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा निर्भर करना और संगठन को वीक करते चले जाना, ये आगे आने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि चेहरा दिखाना पड़ेगा, मेरे बाद कौन जो है, मेरे बाद एक दर्जन जैसे अटल जी थे या आडवाणी थे, तब उस जमाने में होता है कौन प्रधानमंत्री, तो आप 10 नाम ले लेते थे, अब कैसे नाम लेंगे इनके बाद? ज्यादा लोग मोदी जी के बाद शाह साहब का नाम या योगी जी का नाम ले लेते हैं, पर योगी जी के कंधे पर हाथ रख दिया उन्होंने। तो सवाल ये कि राष्ट्रीय लेवल पर तो आप नाम ले रहे हैं, पर लोकल लेवल पर योगी जी के बाद कौन, बताइए एक नाम। तो इसलिए जब आपके लोकल लेवल में अमित शाह के बाद गुजरात में कौन, कोई नहीं। तो ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10-12 नाम हर स्टेट में जैसे होते हैं, आपने रमन सिंह का एक स्टेट गया, उसे रमन बीजेपी के बहुत बड़े नेता वहां पर और भी बहुत है, शिवराज चौहान थे एक थे, उसके बाकी लोग भी थे बीजेपी के, और गुजरात में काफी लोग थे, केशुभाई थे, जयराम थे, बाकी मैं 10 नाम गिना था बीजेपी के, अब आप याद ही नहीं रहते कोई नाम। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, बीजेपी के लिए खतरा, हिमाचल के अंदर बीजेपी को बीजेपी ने हरा दिया, 29 लोग खड़े, पहली बार गुजरात के अंदर रेबल खड़े हुए, पर गुजरात के रेबल का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मोदी को देखा लोगों ने, पर हिमाचल के अंदर आपको याद है मोदी ने अपनी लास्ट मीटिंग में कहा था आप उम्मीदवार कौन है इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप कमल के फूल पे लाग लगाइए और मेरे नाम पे बात करिए, हर वोट आपका मेरे खाते में जमा होगा, ये स्टेटमेंट थी उनकी। जब उन्होंने कहा मोदी ने खुद कहा कि आप कैंडिडेट को भूल जाइए, अगर कैंडिडेट को भूलने के बाद लोगों को उनसे काम करना है ना, तो वो स्टेटमेंट के ऊपर जब ओपिनियन पोल के अंदर देखा गया कि उनकी कितने लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया, केवल 10% लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के लिए वोट दिया, वहीं गुजरात के अंदर 90% लोगों ने कहा, तो दोनों में फर्क।
तो एकदम खतरा यही है कि आप इरोजन अगर नीचे है पैटर्न का, अगर वहां व्यक्ति नहीं खड़े होंगे आपको, तो उसके लिए आपको नुकसान आगे जाकर होगा। शॉर्ट टर्म आप राष्ट्र लेवल पे जीत जाएंगे, परंतु लोकल लेवल पर अगर खत्म होता चला तो आपका एजेंडा जो चाहते हैं पार्लियामेंट में वो नहीं हो सकेगा। अब तो आरएसएस भी काफी हद तक बौनी दिखाई पड़ती है, आरएसएस भी असर्ट नहीं कर पाती उस तरीके से। मोहन भागवत कुछ कहने की कोशिश जरूर करते हैं, जबकि पहले यह कहा जाता था अटल आडवाणी के जमाने में कि आरएसएस संगठन को, कलेक्टिव लीडरशिप को हमेशा प्राथमिकता देता था, और कहीं कुछ होता था तो वो आपत्ति भी करते थे और उनकी आपत्ति सुनी जाती। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि आरएसएस भी उसकी बात सुनी नहीं जाती, या उसको बिल्कुल गौण कर दिया गया है। तो ये हम लोगों का इमेजिनेशन है, पर आरएसएस का 1925 में बनी, अब 100 साल होने वाले हैं उनको लगभग। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का प्रचार हो। मोदी जी वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी जी किस लिए छेड़े हो? ये इमेजिन करना कि उनकी बात नहीं सुननी जाती, क्या बात नहीं। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस कर दिया जवाहर पार्लियामेंट के अंदर, राम मंदिर बन गया उनका, JNK 370 खत्म हो गई, आरएसएस के सब लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना दिए गए, तो उनको शिकायत किस बात से? उनका काम बिना वो 365 दिन का प्रोग्राम एक दिन बन जाता है कि कहाँ जाएंगे मोहन भागवत, 365 दिन का प्रचार बना उनका एक साल में बन जाता है। उनकी जड़ें इतनी बड़ा, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन मंत्री है, कुछ नहीं है। कई बार सुदर्शन जी ने इंटरव्यू किया था, एक्टिविस्ट आरएसएस चीफ जो है सिर्फ सुदर्शन जी रहे, रज्जू भैया थोड़ी देर रहे, रज्जू भैया की अटल जी के साथ दोस्ती थी, दूसरी बात है। सुदर्शन की जो पहले गुरु जी, उसके बाद आप बाकी लोग जो आए, उन्होंने कभी ज्यादा इंटरफेरेंस पॉलिटिकल पार्टी में किया नहीं। इसलिए आप ये कहना कि आरएसएस की सुनते नहीं है, जिस दिन आरएसएस ने कोई फैसला कर लिया कि ये बीजेपी के लोग उनकी विचारधारा से हट करके जा रहे हैं, तब आपको दिखाई देगा। जैसे अटल जी जब अडवाणी जी को हटाना था, अडवाणी जी के दो हटने से 10 दिन पहले अटल अडवाणी के घर पे एक डिनर था, उसमें मैं भी था, उसे मोहन भागवत भी आए थे, सारे आरएसएस बड़े बड़े नेता थे, और 8 दिन बाद वो हटा दिया गया अध्यक्ष से, कोई बोलता हो जाएगा वहां पर। तो आरएसएस अपने हिसाब से काम करता है। अभी तक मेरे को लगता है कि जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर वो स्वयंसेवक के नाते काम कर रहे हैं। कभी आपको देखा आपने उन्हें मुसलमान जी की टोपी आती नहीं पहनी, किसी मस्जिद में नहीं गया तक वो। तो आप जो देख रहे हैं कि उन्होंने, अगर वो आरएसएस का काम कर रहे हैं, आज हिंदू उनके ऊपर अटैक किया मोदी के ऊपर कि वो ज्यादा हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, और आरएसएस कहता था ये क्या था? तो आरएसएस का एजेंडा जब उनका पूरा हो रहा है तो उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? उनकी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।